रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज, आज बुधवार वेडनेसडे 14 अक्टूबर 2020। आज हम पढ़ेंगे, 14 तारीख है आज और अक्टूबर का महीना 2020, बुधवार का दिन। आज के दिन के लिए पास्टर क्रिस ओयाकिलोमे के द्वारा दिया गया जो संदेश है, वो मैसेज जो उन्होंने दिया हुआ है, वह टॉपिक इंग्लिश में ऐसा है, हिज नेम हैज़ ऑल पावर, उसके नाम में सारा सामर्थ है। यह बात समझाने के लिए मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय 17 वचन दिया गया है। हम इसे पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया वचन है मार्क 16:17, 16th chapter, 17th verse, एंड दिस साइंस शाल फॉलो देम दैट बिलीव इन माई नेम, शाल दे कैस्ट आउट डेवल्स, दे शाल स्पीक विथ न्यू टंग्स। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। मरकुस का 16 अध्याय उसका 17 वचन ऐसा कहता है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। When you study and understand what the Bible says about the name of Jesus, it will strengthen your faith and change your general attitude and approach to life. जब आप अभ्यास करेंगे और समझेंगे पवित्र बाइबल क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह के नाम के विषय में, तब आप बलवंत होंगे अपने विश्वास में और आपका रवैया जो है, साधारण रीति से जो जीने का आपका जो तरीका है, वह बिल्कुल बदल जाएगा। फिलिपियंस 2:9-10, Wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth. फिलिपियों की पत्री 2:9-10 ऐसा कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। At his name every knee bows, demons tremble and hell quakes. उसी के नाम के सामने हर घुटना झुक जाता है, हर शैतान थरथराने लगता है और नरक टूटने लगता है। हालेलुया, He said, In my name shall they, those who believe in him, cast out devils. उसने कहा, मेरे नाम से अगर कोई विश्वास किया तो वह दुष्ट आत्माओं को निकालता है। You never need to sweat to cast out devils. दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए आपको पसीने पसीने होने की जरूरत नहीं है। All it requires is that you use the name of Jesus. आपको जो भी जरूरत है वह केवल इतना ही, प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करें। The devil may play on your mind and tell you are not qualified or powerful enough to cast him out. शैतानी आत्माएं भले ही आपके इर्द गिर्द नाटक करे और आपके मन को वो भटकाने की कोशिश करे यह बोलकर कि आप
काबिल नहीं हो या फिर आप समर्थ नहीं है आपके पास उतना जितना कि उनको निकालने के लिए आपको चाहिए. Never accept his lies. उसके झूठ को कभी कबूल मत कीजिए. Jesus gave you the authority. प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया. He said in Luke 10:19, New King James Version में लिखा हुआ ये वचन, लूका के 10 अध्याय और 19 वचन में ऐसा कहता है प्रभु यीशु. इंग्लिश में जो लिखा है वो न्यू किंग जेम्स वर्शन में से लिखा है. बिहोल्ड आई गिव यू द अथॉरिटी टू ट्रैम्पल ऑन सर्पेंट्स एंड स्कॉर्पियंस एंड ओवर ऑल द पावर ऑफ द एनिमी एंड नथिंग शाल बाय एनी मीन्स हर्ट यू. हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे. लूका का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 19 वचन ऐसा कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने को का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी. You have all it takes to cast out devils. The name of Jesus. आपके लिए जो सब कुछ आपके लिए होना चाहिए शैतानी आत्माओं को निकालने के लिए वह है प्रभु यीशु मसीह का नाम. Everything that exists in this world and beyond is subject to that name. सब कुछ जो भी सृष्टि किया गया है इस जगत में है और उसके परे और कोई भी कुछ भी विषय क्यों ना हो, सब कुछ प्रभु यीशु के सामने उसके नाम के सामने झुक जाना है, उसके अधीन हो जाना है. लिव विक्टोरियसली एंड डोमिनेट सर्कमस्टेंसेस इन हिज नेम. अपना जीवन जयवंत होकर जिए और प्रभुत्व हो तो साथ साथ जीवन की सारी परिस्थितियों में और सारे समयों में प्रभुत्व करता हूं प्रभु यीशु के नाम से. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन. अब हम पढ़ेंगे आज का जो वचन दिया गया है, जॉन 16th chapter 23-24, एक्ट्स 3rd chapter 1-10 verses और फिर 16th verse. हम पहले किंग जेम्स वर्शन में से इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे. गॉस्पल ऑफ जॉन 16th chapter 23-24 verses किंग जेम्स वर्शन में से हम पढ़ रहे हैं. एंड इन दैट डे ये शाल आस्क मी नथिंग. वेरीली वेरीली आई से अन टू यू, वॉट सो एवर ये शाल आस्क द फादर इन माई नेम ही विल गिव इट टू यू. हिथरटू हैव ये आस्क्ड नथिंग इन माई नेम, आस्क एंड ये शाल रिसीव दैट योर जॉय मे बी फुल. Acts of Apostles 3rd chapter 1-10 verses और 16th verse. Peter cureth a lame man, etc. First verse से पढ़ेंगे. Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the 9th hour. And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms
of them that entered into the temple, who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked an alms. And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, "Look on us." And he gave heed unto them, expecting to receive something of them. Then Peter said, "Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." And he told him by the right hand, and lifted him up. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. And he, leaping up, stood and walked, and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. And all the people saw him walking and praising God, and they knew that it was he which sat for alms at the beautiful gate of the temple. And they were filled with wonder and amazement at that which had happened unto him. 16th verse. And his name, through faith in his name, hath made this man strong, whom ye see and know. Yea, the faith which is by him hath given him this perfect soundness in the presence of you all. यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय 23 और 24 वचन। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1-10 वचन तक और 16 वचन तक पढ़ना है। यह अध्याय के जो इंट्रोडक्शन में लिखा है, लंगड़े भिखारी का चंगा होना। पहले वचन से पढ़ेंगे, पत्रस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पत्रस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पत्रस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पत्रस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पावों और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर के स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। इसी अध्याय का और एक वचन है, 16 वचन, वो भी हम पढ़ेंगे। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को, जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। 1 ईयर, 1 साल का जो बाइबल रीडिंग प्लान है, 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, उसमें 1 थेसलोनियंस 4th chapter 1-18 वर्सेस, और फिर आइज़ाया 59 and 60 chapter, जो 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान है उसमें 1 थेसलोनियन 4 अध्याय 1-18 वचन, और यशया की भविष्यवाणी 59 and 60 अध्याय। हम पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, किंग जेम्स वर्शन में 1 थेसलोनियन को पढ़ेंगे, फिर वही अध्याय को हम हिंदी में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम
यशया की भविष्यवाणी को इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर उसी अध्यायों को हम हिंदी में पढ़ेंगे। फर्स्ट थेसलोनियंस 4:1-18 वर्स हम पढ़ने वाले हैं। ही एग्जॉर्टेड टू गॉडलीनेस द सेंट्स रेजुरेक्शन एंड क्राइस्ट सेकेंड कमिंग। इंट्रोडक्शन में ये दिया था, अब हम फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। Furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus Christ, by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more. For ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus. Third verse, for this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication, that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor, not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God, that no man go beyond and defraud his brother in any matter, because that the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified. For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. He therefore that despiseth not man, but God, who hath also given us unto us his Holy Spirit. But as touching brotherly love, ye need not that I write unto you, for ye yourselves are taught of God to love one another. And indeed, ye do it toward all the brethren, which are in all Macedonia. But we beseech you, brethren, that ye increase more and more, and that ye study to be quiet, and to do your own business, and to work with your own hands, as we commanded you, that ye may walk honestly toward them that are without, and that ye may have lack of nothing. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Therefore comfort one another with these words. Pehla Thessalonians 4th adhyay, उसका पहले वचन से पढ़ेंगे 18 वचन तक। इस अध्याय का जो शीर्षक ऐसा दिया हुआ है, जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। और यह काम अभिलाषा से नहीं, और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु
पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है, और सारे मकदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ, और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना कामकाज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। यीशु का पुनरागमन। 13 वचन से आगे, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। 2 साल का बाइबल नहीं, 1 मिनट। यशया का 59 एग्स एंड वीव द स्पाइडर्स वेब, ही दैट ईटेथ ऑफ देयर एग्स डाइथ, एंड दैट विच इज क्रश्ड ब्रेकथ आउट इनटू अ वाइप। Their webs shall not become garments, neither shall they cover themselves with their works. Their works are works of iniquity, and the act of violence is in their hands. Their feet run to evil, and they make haste to shed innocent blood. Their paths are paths of iniquity, wasting and destruction are in their paths. The way of peace they know not, and there is no judgment. In their goings, they have made them crooked paths. Whosoever goeth therein shall not know peace. Therefore is judgment far from us, neither doeth justice overtake us. We wait for light, but behold obscurity; for brightness, but we walk in darkness. We grope for the wall like the blind, and we grope as if we had no eyes. We stumble at noonday as in the night. We are in desolate places as dead men. We roar like bears and mourn sore like doves. We look for judgment, but there is none; for salvation, but it is far off from us. For our transgressions are multiplied before thee, and our sins testify against us. For our transgressions are with us, and as for our iniquities, we know them. In transgressing and lying against the Lord, and departing away from our God, speaking oppression and revolt, conceiving and uttering from the heart words of falsehood, and judgment is turned away backward, and justice standeth afar off. For truth is fallen in the street, and equity cannot enter. Yea, truth faileth, and he that departeth from evil maketh himself a prey. And the Lord saw it, and it displeased him that there was no judgment. And he saw that there was no man, and wondered that there was no intercessor. Therefore his arm brought salvation unto him, and his righteousness it sustained him. For he put on righteousness as a breastplate, and an helmet of salvation upon his head. And he put on the garments of vengeance for clothing, and was
clad with zeal as a cloak. According to their deeds, accordingly, he will repay fury to his adversaries, recompense to his enemies, to the islands he will repay recompense. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him, and the Redeemer shall come to Zion and unto them that turn from transgression in Jacob, saith the Lord. As for me, this is my covenant with them, saith the Lord, my spirit that is upon thee, and my words which I have put in thy mouth shall not depart out of thy mouth, nor out of the mouth of thy seed, nor out of the mouth of thy seed's seed, saith the Lord, from henceforth and forever. Chapter 60. Introduction mein likha hai, glory of the church in the abundant access of the Gentiles, and her great blessings after a short affliction. First verse se padhenge. Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people, but the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising. Lift up thine eyes round about, and see all, they gather themselves together. They come to thee, thy sons shall come from far, and thy daughters shall be nursed at thy side. Then thou shalt see and flow together, and thine heart shall fear and be enlarged, because the abundance of the sea shall be converted unto thee. The forces of the Gentiles shall come unto thee. The multitude of camels shall cover thee. The dromedaries of Midian and Ephah, all they from Sheba shall come. They shall bring gold and incense, and they shall shew forth the praises of the Lord. All the flocks of Kedar shall be gathered together unto thee. The rams of Nebaioth shall minister unto thee. They shall come up with acceptance of mine altar, and I will glorify the house of my glory. Who are these that fly as a cloud and as the doves to their windows? Surely the isles shall wait for me, and the ships of Tarshish first, to bring thy sons from far, their silver and their gold with them, unto the name of the Lord thy God, and to the Holy One of Israel, because he hath glorified thee. And the sons of strangers shall build up thy walls, and their kings shall minister unto thee. For in my wrath I smote thee, but in my favor have I had mercy on thee. Therefore thy gates shall be open continually, they shall not be shut day nor night, that men may bring unto thee the forces of the Gentiles, and that their kings may be brought. For the nation unto nation and kingdom that will not serve thee shall perish, yea, those nations shall be utterly wasted. The glory of Lebanon shall come unto thee, the fir tree, the pine tree, and the box together, to beautify the place of my sanctuary. And I will make the place of my feet glorious. The sons also of them that afflicted thee shall come bending unto thee, and all they that despised thee shall bow themselves down at the soles of thy feet. And they shall call thee the city of the Lord, the Zion of the Holy One of Israel. Whereas thou hast been forsaken and hated, so that no man went through thee, I will make thee an eternal excellency, a joy of many generations. Thou shalt also suck the milk of the Gentiles, and shalt suck the breast of kings, and thou shalt know that I, the Lord, am thy Savior and thy Redeemer, the Mighty One of Jacob. For brass I will bring gold, and for iron I will bring silver, and for wood brass, and for stones iron. I will also make thy officers peace, and thine exactors righteousness.
violence shall no more be heard in thy land, wasting nor destruction within thy borders, but thou shalt call thy walls salvation and thy gates praise. The sun shall be no more thy light by day, neither for brightness shall the moon give light unto thee, but the Lord shall be unto thee an everlasting light, and thy God thy glory. Thy sun shall no more go down, neither shall thy moon withdraw itself, for the Lord shall be thine everlasting light, and the days of thy mourning shall be ended. The people also shall be all righteous. They shall inherit the land forever, the branch of my planting, the work of my hands, that I may be glorified. A little one shall become a thousand, and a small one a strong nation. I, the Lord, will hasten it in his time. यशिया के भविष्यद्वाणी 59 अध्याय लोगों के पापों की नबी द्वारा भर्त्सना। पहले वचन से पढ़ेंगे। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुम से ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता, और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे सांपिन के अंडे सेते और मकड़ी के जाल बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है, और जब कोई एक को फोड़ता तब उसमें से सपोला निकलता है। उनके जाले कपड़े के का काम न देंगे, न वे अपने कामों से अपने को ढांप सकेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं, और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। वे बुराई करने को दौड़ते हैं, और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ है, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में है। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, और न उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति न पाएगा। पापों से पश्चाताप, इस कारण 9 वचन से आगे, इस कारण न्याय हमसे दूर है और धर्म हमारे समीप ही नहीं आता। हम उजियाले की बाट तो जोहते हैं, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं। हम अंधों के समान दीवार टटोलते हैं, हाँ हम बिना आंख के लोगों के समान टटोलते हैं। हम दिन दोपहर रात के समान ठोकर खाते हैं, हष्ट पुष्टों के बीच हम मुर्दों के समान हैं। हम सब के सब रीछों के समान चिल्लाते हैं, और पंडुकों के समान च्यों च्यों करते हैं। हम न्याय की बाट तो जोहते हैं पर वह कहीं नहीं, उद्धार की बाट जोहते हैं पर वह हमसे दूर ही रहता है। क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हमारे अपराध हमारे संग है, और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। हमने यहोवा का अपराध किया है, हम उससे मुकर गए और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। हम अंधेर करने लगे और उलट फेर की बातें कही, हमने झूठी बातें मन में गढ़ी और कही भी है। न्याय पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा रह गया। सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सीधाई प्रवेश नहीं करने पाती। हाँ सच्चाई खो गई, और जो बुराई से भागता है वह शिकार हो जाता है। परमेश्वर छुटकारा देने को तैयार। 15 वचन आगे और पढ़ते हैं। यह देख कर यहोवा ने बुरा माना, क्योंकि न्याय जाता रहा। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं, और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं।
तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। उसने धर्म को झिलम के समान पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया और उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया और जल जलाहट को बागे के समान पहन लिया है। उनके कर्मों के अनुसार वह उनको फल देगा। अपने द्रोहियों पर वह अपना क्रोध भड़काएगा और अपने शत्रुओं का को उनकी कमाई देगा। वह द्वीपवासियों को भी उनकी कमाई भर देगा। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी न हटेंगे। 60 अध्याय, यरूशलेम का महिमामय भविष्य। पहले वचन से पढ़ेंगे, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे अरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है। तब तो इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति के धन संपत्ति तुझको मिलेगी। तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मिद्यान और एपादेशों की सांडनिया इकट्ठी होगी। शिबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणानुवाद आनंद से सुनाएंगे। केदार की सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर तेरी हो जाएगी। नबाओत के मेढ़े तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे। मेरी वेदी पर वे ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने शोभायमान भवन को और भी प्रतापी कर दूंगा। ये कौन है जो बादल के समान अपने दरबों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं? निश्चय द्वीप मेरी ही बाट देखेंगे। पहले तो तर्शीश के जहाज आएंगे कि तेरे पुत्रों को सोने चांदी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा अर्थात इसराइल के पवित्र के नाम के निमित्त दूर से पहुंचाए, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। परदेशी लोग तेरी शहरपनाह को उठाएंगे और उनके राजा तेरी सेवा टहल करेंगे, क्योंकि मैंने क्रोध में आकर तुझे दुख दिया था परंतु अब तुझसे प्रसन्न होकर तुझ पर दया की है। तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे, दिन और रात वे बंद न किए जाएंगे, जिससे जाति जाति की धन संपत्ति और उनके राजा बंदी होकर तेरे पास पहुंचाए जाएं, क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा न करें वे नष्ट हो जाएंगे। हाँ, ऐसी जातियों का पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएगा। लबानोन का वैभव अर्थात सनोवर और देवदार और चीड़ के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे कि मेरे पवित्र स्थान में की पवित्र स्थान को सुशोभित करे और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगी और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर इसराइल के पवित्र का सियोन रखेंगे। तू जो त्यागी हुई और घृणित ठहरी, यहाँ तक कि कोई तुझ में से होकर नहीं जाता था, इसके बदले मैं तुझे सदा के घमंड का और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा। तो जाति जाति का दूध पी लेगी, तो राजाओं की छातियां चूसेगी और तू जान लेगी कि मैं यहोवा
तेरा उद्धारकर्ता और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का सर्वशक्तिमान हो। मैं पीतल के बदले सोना, लोहे के बदले चांदी, लकड़ी के बदले पीतल और पत्थर के बदले लोहा लाऊंगा। मैं तेरे हकीमों को मेल मिलाप और तेरे चौधरियों को धार्मिकता ठहराऊंगा। तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेर की चर्चा न सुनाई पड़ेगी। परंतु तू अपनी शहरपनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला न होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरा शोभा ठहरेगा। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगी और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। तेरे लोग सबके सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल 1 सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान में आज हिब्रियोस 6:11-20 एज़ेकियल 8:9 चैप्टर पढ़ना है। इब्रानी की पत्री 6:11-20 वचन, यहेजकियल की भविष्यद्वाणी 8:9 अध्याय। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्शन में, फिर हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। हेब्रियो 6:11 से शुरू करेंगे 20 तक। एंड वी डिजायर दैट एवरी वन ऑफ यू डू शो द सेम diligence to the full assurance of hope unto the end, that ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. For when God made promise to Abraham, because he could swear by no greater, he swore by himself, saying, Surely blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thee. And so, after he had patiently endured, he obtained the promise. For men verily swear by the greater, and an oath for confirmation is to them an end of all strife, wherein God, willing more abundantly to show unto the heirs of promise the immutability of his counsel, confirmed it by an oath, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth unto that within the veil, whither the forerunner is for us entered, even Jesus, made an high priest forever after the order of Melchizedek. इब्रानियों की पत्री 6:11-20 तक पढ़ेंगे। 11 से हम पढ़ेंगे, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा, 13 से आगे, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धर कर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं, और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया।
ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े है कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलकीसदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। एजेकियल 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन में लिया है। एजेकियल्स विजन ऑफ जियलसी, चेंबर्स ऑफ इमेजरी, गॉड्स रैथ फॉर आइडोलेट्री। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे हम। एंड इट केम टू पास इन द सिक्स्थ ईयर, इन द सिक्स्थ मंथ, इन द फिफ्थ डे ऑफ द मंथ, एज आई सैट इन माइन हाउस एंड द एल्डर्स ऑफ ज्यूडा सैट बिफोर मी, दैट द हैंड ऑफ द लॉर्ड गॉड फेल देयर अपॉन मी। देन आई बिहेल्ड एंड लो, अ लाइकनेस एज द अपियरेंस ऑफ फायर फ्रॉम द अपियरेंस ऑफ हिज लॉयंस even downward, fire and from his loins even upward, as the appearance of brightness, as the color of amber. And he put forth the form of an hand and took me by a lock of mine head, and the spirit lifted me up between the earth and the heaven, and brought me in the visions of God to Jerusalem, to the door of the inner gate that looketh toward the north, where was the seat of the image of jealousy which provoketh to jealousy. And behold, the glory of the God of Israel was there, according to the vision that I saw in the plain. Then said he unto me, Son of man, lift up thine eyes now the way toward the north. So I lifted up mine eyes the way toward the north, and behold, northward at the gate of the altar, this image of jealousy in the entry. He said furthermore unto me, Son of man, seest thou what they do, even the great abominations that the house of Israel committeth here, that I should go far off from my sanctuary? But turn thee yet again, and thou shalt see greater abominations. And he brought me to the door of the court, and when I looked, behold, a hole in the wall. Then said he unto me, Son of man, dig now in the wall. And when I had digged in the wall, behold, a door. And he said unto me, Go in, and behold the wicked abominations that they do here. So I went in and saw, and behold, every form of creeping things and abominable beasts and all the idols of the house of Israel portrayed upon the wall round about. And there stood before them 70 men of the ancients of the house of Israel. And in the midst of them stood Jaazaniah, the son of Shaphan, with every man his censer in his hand, and a thick cloud of incense went up. Then said he unto me, Son of man, hast thou seen what the ancients of the house of Israel do in the dark? Every man in the chambers of his imagery. They say, The Lord seeth us not, the Lord hath forsaken the earth. He said also unto me, Turn thee yet again, and thou shalt see greater abominations that they do. Then he brought me to the door of the gate of the Lord's house, which was toward the north. And behold, there sat women weeping for Tammuz. Then said he unto me, Hast thou seen this, O son of man? Turn thee yet again,
and thou shalt see greater abominations than these. And he brought me into the inner court of the Lord's house, and behold, at the door of the temple of the Lord, between the porch and the altar, were about 25 men with their backs toward the temple of the Lord, and their faces toward the east, and they worshipped the sun toward the east. Then he said unto me, Hast thou seen this, O son of man? Is it a light thing to the house of Judah that they commit the abominations which they commit here? For they have filled the land with violence and have returned to provoke me to anger. And lo, they put the branch to their nose. Therefore will I also deal in fury. Mine eye shall not spare, neither will I have pity. And though they cry in mine ears with a loud voice, yet will I not hear them. Ninth chapter, introduction diya hai, a vision showing the preservation of the righteous, showing the preservation of the righteous and the destruction of the wicked. He cried also in mine ears with a loud voice, saying, Cause them that have charge over the city to draw near, even every man with his destroying weapon in his hand. And behold, 6 men came from the way of the hired gate, which lieth toward the north, and every man a slaughter weapon in his hand, and one man among them was clothed with linen, with a writer's ink horn by his side, and they went in and stood beside the brazen altar. And the glory of the God of Israel was gone up from the cherub, whereupon he was, to the threshold of the house. And he called to the man clothed with linen, which had the writer's ink horn by his side. And the Lord said unto him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abominations that be done in the midst thereof. And to the others he said, In mine hearing, Go ye after him through the city, and smite, let not your eye spare, neither have ye pity. Slay utterly old and young, both maids and little children and women, but come not near any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary. Then they began at the ancient man which were before the house, and he said unto them, Defile the house, and fill the courts with the slain. Go ye forth. And they went forth, and slew in the city. And it came to pass, while they were slaying them, and I was left, and that I fell upon my face, and cried and said, Ah, Lord God, wilt thou destroy all the residue of Israel in thy pouring out of thy fury upon Jerusalem? Then said he unto me, The iniquity of the house of Israel and Judah is exceeding great, and the land is full of blood, and the city full of perverseness. For they say, The Lord hath forsaken the earth, and the Lord seeth not. And as for me also, mine eye shall not spare, neither will I have pity, but I will recompense their way upon their head. And behold, the man clothed with linen, which had the ink horn by his side, reported the matter, saying, I have done as thou hast commanded me. यहेजकेल की भविष्यवाणी 8 अध्याय, परमेश्वर के विषय यहेजकेल का द्वितीय दर्शन, यरूशलेम में मूर्ति पूजा। पहले वचन से हम पढ़ेंगे, फिर 6वें वर्ष के 6वें महीने के 5वें दिन को, जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पुरनियों मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई।
तब मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है, उसकी कमर से नीचे की ओर आग है और उसकी कमर से ऊपर की ओर झलकाए हुए पीतल की झलक सी कुछ है। उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े, तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया जिसका मुंह उत्तर की ओर है और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा के स्थान था जिसके कारण द्वेष उपजता है। फिर वहां इज़राइल के परमेश्वर का तेज वैसा ही था जैसा मैंने मैदान में देखा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देख। अतः मैंने अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देखा कि वेदी के फाटक के उत्तर की ओर उसके प्रवेश स्थान ही में वह डाह उपजाने वाली प्रतिमा है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? इज़राइल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम यहाँ करता है ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊँ, परंतु तू इनसे भी अधिक घृणित काम देखेगा। तब वह मुझे आंगन के द्वार पर ले गया और मैंने देखा कि दीवार में एक छेद है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, दीवार को फोड़। इसलिए मैंने दीवार को फोड़ कर क्या देखा कि एक द्वार है। उसने मुझसे कहा, भीतर जाकर देख कि ये लोग यहाँ कैसे कैसे और अति घृणित काम कर रहे हैं। अतः मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की दीवार पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं और घृणित पशुओं और इसराइल के घराने की सब मूर्तों के चित्र खींचे हुए हैं। इसराइल के घराने के पुरनियों में से 70 पुरुष जिनके बीच में शापान का पुत्र याजनयाह भी है, वे उन चित्रों के सामने खड़े हैं और हर एक पुरुष अपने हाथ में धूपदान लिए हुए है और धूप के धुएं के बादल की सुगंध उठ रही है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा है कि इसराइल के घराने के पुरनिये अपनी अपनी नकाशी वाली कोठरियों के भीतर अर्थात अंधियारे में क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं देखता, यहोवा ने देश को त्याग दिया है। फिर उसने मुझसे कहा, तू इनसे और भी अति घृणित काम देखेगा जो वे करते हैं। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था और वहां स्त्रियां बैठी हुई तम्मोज के लिए रो रही थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? फिर इनसे भी बड़े घृणित काम तू देखेगा। तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया और वहाँ यहोवा के भवन के द्वार के पास ओसारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा? क्या यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना जो वे यहाँ करते हैं छोटी बात है? उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया और फिर यहाँ आकर मुझे रिस दिलाते हैं, वरन वे डाली को अपने नाक के आगे लिए रहते हैं। इसलिए मैं भी जल जलाहट के साथ काम करूँगा, ना मैं दया करूँगा और ना मैं कोमलता करूँगा, और चाहे वे मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकारे तो भी मैं उनकी बात ना सुनूंगा। यरूशलेम को दंड। 9 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। फिर उसने मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, नगर के अधिकारियों को अपने अपने हाथ में नाश करने का हथियार लिए हुए निकट लाओ। इस पर 6 पुरुष उत्तर की ओर ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लिए हुए आए और उनके बीच सन का वस्त्र पहने कमर में लिखने की दवात बांधे हुए एक और पुरुष था और वे सब भवन के भीतर जाकर पीतल की वेदी के पास खड़े हुए। तब इसराइल के परमेश्वर का तेज करुबों पर से जिनके ऊपर वह रहा करता था भवन की डेवड़ी पर उठ आया था और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को जो कमर में दवात बांधे हुए था पुकारा और यहोवा ने उससे कहा,
इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना, बूढ़े युवा कुंवारी बाल बच्चे स्त्रियां सब को मारकर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट न जाना, मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। अतः उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। फिर उसने उनसे कहा, भवन को अशुद्ध करो और अंगनों को शवों से भर दो, चलो बाहर निकलो। तब वे निकलकर नगर में मारने लगे। जब वे मार रहे थे और मैं अकेला रह गया, तब मैं मुंह के बल गिरा और चिल्लाकर कहा, हाय प्रभु यहोवा, क्या तू अपनी जल जलाहट यरूशलेम पर भड़काकर इसराइल के सब बचे हुओं को भी नष्ट करेगा? 9 वचन से आगे पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे कहा, इसराइल और यहूदा के घरानों का अधर्म अत्यंत ही अधिक है, यहाँ तक कि देश हत्या से और नगर अन्याय से भर गया है, क्योंकि वे कहते हैं, यहोवा ने पृथ्वी को त्याग दिया और यहोवा कुछ नहीं देखता, इसलिए उन पर दया न होगी, न मैं कोमलता करूँगा, वरन उनकी चाल उन्हीं के सिर लौटा दूंगा। तब मैंने क्या देखा कि जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए और कमर में दवात बांधे था, उसने यह कहकर समाचार दिया, जैसे तूने आज्ञा दी मैंने वैसा ही किया है। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमेन आमेन आमेन।